नागपुर में महामारी के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब नागपुर पुलिस ने एक युगल को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश कर उन्हें PCR में लिया गया। आरोपियों से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किया गया। आरोपी शुभम अर्जुनवार और उसकी प्रेमिका ज्योति सिंह है। नागपुर में रहने वाला शुभम बेरोजगार है, जबकि ज्योति ने नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया है। वो नागपुर के बुटीबोरी स्थित गायकवाड़ पाटिल कोविड सेंटर में बतौर नर्स है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुभम को ब्लैक में रेमडेसिविर को बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि ये रेमडेसिविर उसके मित्र ज्योति को दिए थे, जिससे पुलिस ने ज्योति को भी गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति का कहना है कि उसकी एक सहेली का कोई परिचित कोरोना संक्रमित है, उसे रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, इस कारण उसने पाटिल कोविड सेंटर के स्टॉक से एक रेमडेसिविर चोरी कर अपनी सहेली को देने के लिए शुभम को कहा था। ज्योति की ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। ज्योति पुलिस को गुमराह कर रही है, क्योंकि अगर उसने स्टॉक से सिर्फ एक ही रेमडेसिविर चोरी किया था तो उनके पास 4 रेमडेसिविर कहाँ से आए। प्रकरण में और भी लोग लिप्त होने की आशंका है।